श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ चिराग दारूवाला और आज हम बात करेंगे कि आज का दिन यानी कि 28 जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। गणेश जी कहते हैं कि आज पिछले कुछ समय से जो मुश्किलें जो समस्याएं चल रही है उसका समाधान हो जाएगा। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान भी आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में किसी कारण से आपको तनाव हो सकता है। काम की वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। तनाव और थकान के कारण आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आराम करें। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। गणेश जी कहते हैं कि और भी काम होंगे, लेकिन आप उससे पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ पूरा करें। यह एक धार्मिक योजना कार्यक्रम हो सकता है। संतान के करियर को लेकर कुछ चिंताएं भी आपको हो सकती है। इस नकारात्मक माहौल में धैर्य बनाए रखें। पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे। बदले परिवेश के कारण खांसी जैसी शिकायत भी आपको हो सकती है। अब हम आएंगे मिथुन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन अपनी महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने का बहुत ही सही समय है। ग्रह चराग्रह आपके पक्ष में है। अपनी क्षमताओं और ऊर्जाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। कुछ समय सामाजिक संस्थाओं की मदद में भी आप व्यवस्थित रहेंगे। रुपए के लेन देन में पूरा ध्यान रहे। घर और व्यापार में सामंजस्य बनाए रखने में खुशनुमा माहौल रहेगा। ज़्यादा काम करने से थकान भी आपको हो सकती है। अब हम आएंगे कर्क राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भविष्य की थोड़ी योजना फलदायी हो सकती है, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आप अपना ध्यान अन्य कार्यों पर केंद्रित करने में सक्षम होंगे। किसी करीबी के आने से घर में खुशनुमा माहौल बना हुआ रहेगा। आज कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। पति पत्नी के बीच कोई भी प्रकार का विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें। अब हम आएंगे सिंह राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि आज विशेष लोगों के साथ आपकी बैठक होगी और किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा भी होगी, जो सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि आप अपनी संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आयात निर्यात से जुड़े व्यापार में तेजी होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपको हो सकती है। अब हम आएंगे कन्या राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि समाज सेवा संगठन से जुड़ना और सेवा करना व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इसके अलावा अपने स्वयं के कार्यों से अवगत रहें। निजी कार्य के कारण आज आप व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। गणेश जी कहते हैं कि आज राजनीतिक संबंध से आपको फायदा होगा। जनसंपर्क की सीमाएं भी बढ़ेंगी। साथ ही अधिकांश कार्यों को सही ढंग से किया जाएगा, क्योंकि पारिवारिक कार्य योजनाबद्ध और अनुशक्ति तरीके से किए जाते हैं। संपर्कों और मार्केटिंग कार्यों पर आज अधिक समय आप व्यतीत करें। जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपको घर और व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाए रखना होगा। अत्यधिक काम कभी कभी थकान का कारण बन सकता है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। गणेश जी कहते हैं कि आज आप अपनी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता से कुछ करेंगे। आप खुद को विस्मित करने में सक्षम होंगे। समाज और करीबी रिश्तेदारों में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर के बड़े बड़े बुजुर्ग आपकी सेवा और देखभाल से प्रसन्न होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके मेहनत और मनोबल को बढ़ाएगा। विचारों में नकारात्मकता के कारण थोड़ा अवसाद या तनाव भी आपको हो सकता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। गणेश जी कहते हैं कि दैनिक दिनचर्या के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए महत्वपूर्ण सफलता पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव रिश्तेदारों और घर पर आपके संबंधों को और मजबूत करेगा। संतान के भविष्य की योजनाओं में आपका सहयोग बहुत ही आवश्यकता है। पति पत्नी मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकालेंगे।
पेट खराब होने की वजह से गैस और कब्जियात जैसी शिकायत आपको हो सकती है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। गणेश जी कहते हैं कि पारिवारिक गतिविधियों को ठीक से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा, आप इसमें सफल भी होंगे। संतान से कोई शुभ समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। सावधान रहें कि परिवार के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। कार्य क्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण अधिकार आपको मिल सकता है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। खांसी बुखार और संक्रमण जैसा माहौल हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। गणेश जी कहते हैं कि भावुकता के बजाय व्यवहारिक विचार रखें। आपकी बुद्धि और व्यापारिक सौदे आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। वहीं मंगल गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसी रिश्तेदार को आमंत्रित किया जा सकता है। आज किसी को धन उधार ना दीजिए। अविवाहित लोगों के अच्छे संबंध विवाह की ओर ले जा सकते हैं। अब हम आएंगे मीन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि प्रकृति के करीब होना और दैवीय शक्ति में विश्वास करना आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा। आपकी नियमित दिनचर्या और उचित खान पान आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखेगा, यानी कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। श्री गणेशाय नमः।